अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथड्स, जिनमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का। ऑब्जर्वेशनल मेथड विदाउट इंटरवेंशन हम पिछली क्लिप में मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ कि जिसमें कोई भी हम मैनिपुलेशन और कंट्रोल एग्जर्ट नहीं करते हैं। जैसा हो रहा है कोई फिनोमेना, उसको एज इट इज़ होने देते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव नहीं करते। हम जो भी वेरिएबल्स हम अंडर स्टडी हैं, हम उनके अंदर कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं कि जिससे रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता हो। तो अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन की तरफ, कि जिसमें जो रिसर्चर है या एक्सपेरिमेंटर है, वो कोई ना कोई कंट्रोल एग्जर्ट करता है या मैनिपुलेशन एग्जर्ट करता है। यानी जो वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल को अपने तौर पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, या किसी भी तरह से जो भी सेटिंग्स हैं, नेचुरल सेटिंग्स हैं, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेकर आने की कोशिश करता है। तो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन बहुत यूज़फुल होती है जब हमने क्विक रिजल्ट्स लेने होते हैं। जैसे कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में तो हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है कि कब वो कोई नेचुरल फिनोमेना हो और उसके बाद हम उसको स्टडी कर सकें। तो जो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन है, इसके अंदर हम एक सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट बनाते हैं, अपनी तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिसको हम अंडर स्टडी है हमारी, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। मसलन हमने देखना है कि बच्चों का प्ले बिहेवियर कैसा है। जैसे जीन पियाजे की डेवलपमेंटल स्टडीज़ में था, तो हमने एक ना इन्वायरमेंट ऐसा बना के दिया जहाँ पर वो प्लेफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि आम बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें उनके घरों में जाकर या उनकी एक जो डेवलपमेंटल ईयर्स है, उनके साथ साथ हमने देखना होगा कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से चलते हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस जिसमें हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम इतनी देर इंतज़ार करें, हमारे लिए उस टाइम गैप को फुल करना नहीं होता पॉसिबल, तो हम उस सूरत में कुछ ना कुछ कंट्रोल एग्जर्ट करते हैं और लर्निंग विद इंटरवेंशन हम क्रिएट करते हैं। आइए ज़रा इसको देखते हैं गौर से, इस टॉपिक में क्या है। जिस बुक में से ये सारा लिया है मैंने, ये फरहंदा शहनाज की BS साइकोलॉजी Volume 2 की बुक है, और काफ़ी अच्छा इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जो कि किसी भी दूसरी बुक के अंदर इससे मिलती जुलता ही कंटेंट होगा। आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और बाकी जो दूसरी बुक्स हैं उनके भी नेम्स मैं आखिर में शेयर कर दूंगी। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन एम्प्लॉयड बाई साइकोलॉजिस्ट आर न्यूमरस एंड डाइवर्स। क्यों करते हैं हम, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा कि हम क्यों कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। पार्टिसिपेट आर काज एन इवेंट दैट अकर्स इनफ्रीक्वेंटली इन नेचर, जो कम होता है, रेयर फिनोमिना है, और पॉसिबल नहीं है कि हम उसको होता हुआ देखें, तो हम अपनी तरफ से उसको काज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी डेवलपमेंटल स्टडीज़ में इसी तरह से इन लिमिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स, कम कम ही वो रिस्पॉन्स हमें देखने में मिलता है। हमने अगर देखना है कि इस सिचुएशन में एक पर्सन या ऑर्गेनिज्म कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे किसी जानवर का हमने प्रीडेटरी बिहेवियर देखना है कि वो किस तरह से खाने पीने का उसका क्या है, उसका मेटिंग बिहेवियर क्या है, तो हम उसको एनवायरनमेंट सिमुलेट करके देंगे ताकि हम जल्दी से क्विक आंसर हमें मिल सके। तो पहला है, तब करेंगे जब इनफ्रीक्वेंट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, लिमिट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज की, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके अलावा टू गेन एक्सेस टू अ सिचुएशन आर इवेंट दैट इज़ जनरली नॉट ओपन टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जो अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी और तरीके से हम कैप्चर करें। जैसे मैं बता रही हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चों की स्टडीज़ में या एनिमल स्टडीज़ में हम उनको क्वेश्चनर तो नहीं दे सकते हैं कि ये सवालनामा है, इसको फिल करके हमें दें, बल्कि हमारे पास जो ओनली वे टेक्निक है वो यही है कि हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन करें। तो उस सूरत में हमारे पास डाटा कलेक्शन का मेन तरीका ही यही रह जाता है। टू अरेंज कंडीशन सो दैट इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट इवेंट्स, एंटीसीडेंट्स होते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पर भी हमने रीडिली हमने ऑब्जर्व करनी है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमने एकदम से जिस तरह मैं बता रही हूँ कि तेज़ी से हमने रिजल्ट्स लेनी है, तो हम कोई ना कोई कंट्रोल एग्जर्ट करके बिहेवियर नोटिस कर लेते हैं। टू एस्टेब्लिश अ कंपैरिजन बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो देयर इफेक्ट्स और बिहेवियर कैन बी डिटर्मिंड, ऑलमोस्ट ये मिलती जुलती बातें हैं। कोई से तीन पॉइंट्स आप लिख लेना इनमें से तो सफिशिएंट है। मेनली अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन के ऊपर नोट लिखें, तो हमने क्या क्या लिखना होगा, हमें लिखनी होगी ऑब्जर्वेशनल, सबसे पहले रिसर्च मेथड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड सबके नाम लिख देंगे, ऑब्जर्वेशनल मेथड और उसका जो ट्री था गिवन है वो सारा बना के उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे लर्निंग विद इंटरवेंशन। इस तरह लिंक बनाना होता है चैप्टर के साथ आपने, कि जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है 15 या 20 मार्क्स का, तो उस चैप्टर
को हमने शुरू से स्टार्ट करना है कि ये आया कहाँ से है, तो वहाँ से हमने लेकर इसको चलना है। फिर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विद इंटरवेंशन की हेडिंग बनाएंगे, ये बुलेट्स में ये पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इनके नेम्स लिखेंगे। लर्निंग जो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन है उसमें फील्ड स्टडी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। फील्ड स्टडी एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, लफ्ज़ फील्ड और स्टडी टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फील्ड का मतलब है टू गो इनटू द साइट, साइट पे जाकर एक चीज़ को देखना और उसको स्टडी करना फिनोमेना को। तो इसमें हम एक तरह से उस जगह पर जाएंगे, जैसे हमने डेवलपमेंटल स्टडीज़ पे काम करना है तो हम बच्चों के नर्सरी स्कूल जाएंगे। हम स्पेशल बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो हम स्पेशल सेंटर्स में जाएंगे। हम छोटे बच्चों पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम डे केयर सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम फैक्ट्री वर्कर्स की हम देख रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम्स किस तरह से पेश आती हैं तो हम फैक्ट्री साइट के अंदर जाएंगे। इस तरह से जिस जगह का भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पर डाटा कलेक्शन करेंगे, तो फील्ड स्टडी मेथड कहलाता है ऐसी जगहों पे। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इज अ सब टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन की ये सब कैटेगरी है। व्हेन एन ऑब्जर्वर, ये इसकी आगे डेफिनेशन है ये आपने जरूर याद रखनी है, व्हेन एन ऑब्जर्वर मैनिपुलेट्स वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई ना कोई हम एक्स वेरिएबल मैनिपुलेट कर रहे हैं इन अ नेचुरल सेटिंग इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट। जिसकी मेन डेफिनेशन है फील्ड एक्सपेरिमेंट की, पहले ये बताना है कि ये विद इंटरवेंशन का एक सब टाइप है और फिर ये बताना है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना जो काज कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो काज है, ठीक है, जो रीज़न है, उसमें से हम एक या दो चीज़ें हम मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। मसलन फील्ड स्टडी मेथड में जिस तरह मैं बता रही हूँ कि बच्चों के ऊपर जो स्टडीज़ हैं उनके ऊपर हम बहुत इसको अप्लाई करते हैं, तो मसलन हमने ना कोई नई थेरेपी इंड्यूस की है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, हम स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गए, हमने अपनी जो थेरेपी या टेक्निक हमने नई डिवाइस की है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर, वो हमने उनके ऊपर अप्लाई की। हमने यानी काज क्या किया कि हमने एक या दो टेक्निक्स जिस तरह उन चूँकि उनके अंदर जिस तरह ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कम होता है, तो हमने कोई नए जेस्चर्स हमने ऐसे बनाए हैं कि हमने कोई उनको ना इस तरह से हमने कोई उनको टोकन इकोनॉमी की हमने कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो हम उनको वो क्या करेंगे कि हम उनको कोई जो काम उनका पसंदीदा एक्टिविटी है जो उनका रिवॉर्ड है रेनफोर्समेंट है वो हम पेयर कर देंगे किसी लर्निंग बिहेवियर के साथ, और इस तरह हमने एक चीज़ है जो हमने एग्जर्ट की है, जैसे रेनफोर्समेंट का हमने चेक करने के लिए हमने टोकन इकोनॉमी एग्जर्ट की है, तो ये कैसी चीज़ थी जो पहले नहीं हो रही थी और मैंने अपनी तरफ से नई अप्लाई की है। तो दरअसल जो एक एवरीडे वो बच्चे स्कूल आते हैं और उसका हिस्सा है, तो मैंने एक नई चीज़ है जो मैंने इंट्रोड्यूस कराई है उनके बिहेवियर के लिए, तो ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका चेंज किया है दरअसल। इसी तरह से अगर हम देखते हैं हमारी जो एक तरह से स्टडीज़ थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, एल्बर्ट बिंडोरा की स्टडीज़ के अंदर भी हमने ये देखा कि कई स्टडीज़ में जब वो कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करेंगे, कॉग्निटिव रिसर्चर्स जिस तरह से करते हैं स्टडी ऑफ इमोशंस के ऊपर काम है सोशल लर्निंग थ्योरीज में है, तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंटली इंक्रीज या डिक्रीज़ किए जाते हैं। जैसे एग्रेसिव मॉडल किसी को शाबाश मिल रही है या एग्रेसिव मॉडल को पनिशमेंट मिल रही है, तो वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये हम जब चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट आता है बिहेवियर के ऊपर, इफेक्ट ऑन बिहेवियर हम चेक करते हैं। तो इस तरह फील्ड स्टडी मेथड जो है ये बेसिकली एक्स और वाई रिलेशनशिप, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी ये पहला जो पैराग्राफ है ये इसकी डेफिनेशन है मेन जो आपने लिखनी है, और इसके अलग से आपको समझें अगर 15 मार्क्स का है तो 3 नंबर इसके मिलते हैं, या अगर 20 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन इन ऑब्जर्वेशनल मेथड। एक्सट्रीम फॉर्म क्यों कहलाती है ये, इसलिए कि दरअसल हम क्या कर रहे हैं कि हम नेचुरल सेटिंग में भी नहीं जा रहे और हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है पूरा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके मिडल रेंज में एक चीज़ है अपनी एक्सटर्नल वैलिडिटी के हिसाब से ना, कि जिस तरह जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं ना वो उनकी इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है कि कॉज एंड इफेक्ट बड़ा प्रिसाइजली नोट हो रहा है, जो हमारे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो बाहर हो रही हैं, तो उनका एक तरह से जो जनरलाइजेबिलिटी या फाइंडिंग है वो एज़ इट इज़ उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं ये डेली लाइफ में रूटीन डेली लाइफ में भी इसी तरह से अप्लीकेबल हैं। तो जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है हमारा जिसको हम विद इंटरवेंशन कहेंगे, इन दोनों के बीच में
फॉल करता है कि ये लैब सेटिंग में भी नहीं हुआ और ये एज इट इज नेचुरल सेटिंग में भी नहीं हुआ बल्कि एक सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट में हुआ है, ठीक है जी। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड अदर ऑब्जर्वेशनल मेथड्स इज दैट रिसर्चर एग्जर्ट्स मोर कंट्रोल इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। रिसर्चर्स टिपिकली मैन्युपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्रिएट टू और मोर कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन बना दी जाती हैं, जैसा कि एल्बर्ट पेडोरा के एक्सपेरिमेंट में जो था, जो बच्चे थे उन्होंने ऑब्जर्व किया एक जो एग्रेसिव मॉडल है उसको शाबाश मिल रही है और दूसरे ग्रुप में था कि एक एग्रेसिव मॉडल को पनिशमेंट मिल रही है और तीसरे में था कि एक एग्रेसिव मॉडल है और जो एक उसको बाहर से पर्सन आता है वो इनडिफरेंटली बिहेव करता है। तो इस तरह कंडीशंस हम बना देते हैं, हर एक के अंदर हम देखते हैं कि इस के चेंज होने से, एक्स वेरिएबल के चेंज होने से बिहेवियर के ऊपर क्या असर आ रहा है। फील्ड स्टडी मेथड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी। कॉन्फिडरेट्स, कॉन्फिडरेट्स कौन कौन लोग होते हैं जो कि एक तरह से एक्टर्स होते हैं, कॉन्फिडरेट्स जो कि एक्सपेरिमेंटर के साथ शामिल होते हैं और एक्सपेरिमेंटर ने उनको किसी सर्टन तरीके से बिहेव करने के लिए कहा हुआ होता है कि आपने इस तरह से करना है। जैसे कि स्टडी ऑफ इमोशंस में हमारी जो स्टडीज हैं डिफरेंट, उसमें भी हमने ये देखा कि जो हमारी स्टडीज थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनमें ऐसा होता है कि जो थे, जो लोग आ रहे थे पार्टिसिपेट, वो ग्रम्पी एक्टर को देख रहे थे और कई जगहों पर वो एक हैप्पी एक्टर को देख रहे थे और उन्होंने ये बताना था कि दरअसल इफ़ेक्ट क्या आ रहा है उनके अपने इमोशन के ऊपर ना, और उनको दरअसल इंजेक्शन लगे हुए थे। वो एक लॉन्ग स्टडी है, वो जब आप थ्योरीज ऑफ इमोशन पढ़ेंगे तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्फिडरेट कौन होता है, विच इज़ दी पर्सन हु इज़ प्रोवाइडेड बाई दी एक्सपेरिमेंटर इन दी रिसर्च सेटिंग, और वो उसको कहा जाता है कि वो किसी तरीके से बिहेव करे सर्टन तरीके से। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूज़ होते हैं। कॉन्फिडरेटेड समवन इन अ रिसर्च सिचुएशन हु इज़ इंस्ट्रक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टन वे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिचुएशन फॉर ऑब्जर्विंग बिहेवियर। अच्छा, याद क्या करना है इसमें, पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन गिवन है, इसमें उसका डिफरेंस गिवन है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इसमें कि दरअसल क्या है कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है ये एक मिडल रेंज में फॉल करता है ना, तो ये इसकी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों एक मिडल रेंज में फॉल करती हैं। तीसरी बात, ये अप्लाई कहाँ होता है, सोशल साइकोलॉजी में। कॉन्फिडरेट को एक्सप्लेन करना है, यानी ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी, सब आपने एक्सप्लेन करनी है, चार पॉइंट्स ये आपके बनेंगे। तो अब हम ज़रा आते हैं कि जो हमारी जो कॉन्फिडरेट है हमारा या जो एक्सपेरिमेंटर है वो किस तरह से फील्ड स्टडी का हिस्सा बन सकता है, किस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस नोटिस की जाती हैं, नोट डाउन की जाती हैं। एक टाइप कहलाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन विच द रिसर्चर आर द एक्सपेरिमेंटर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एनवायरमेंट टू ऑब्जर्व द फिनोमेना व्हेन इट इज हैपनिंग। जब कोई भी चीज़ हो रही है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से जो रिसर्चर है वो उसका हिस्सा बन जाता है जाकर, और तब वो नोटिस करता है। जैसा कि अगर आपने ये देखना है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, तो आप एक फैक्ट्री वर्कर के तौर पर एम्प्लॉय होते हैं, अब कंसील करते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी और उसके बाद आप नोट अपनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जितनी भी स्पाई इन्वेस्टिगेशन है ना, जैसे कि हम कहते हैं वो अंडर कवर एजेंट्स का काम करते हैं, जो जितने भी अंडर कवर एजेंट्स हैं वो अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करते हैं और बिल्कुल एक नई आइडेंटिटी और शिनाख्त बिल्कुल उनसे मिलती जुलती बनाकर रहते हैं, ताकि वो बहुत ही डीप इनसाइड जो बातें हैं ना, खबरें हैं, वो लेकर आ सकें। जिन चीज़ों के ऊपर अदरवाइज कपड़ा पड़ा हुआ है वो उससे भी डीप इनसाइड जाते हैं। जिस तरह स्टिंक ऑपरेशंस में भी ऐसा ही होता है कि उन चीज़ों के अंदर और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसकर डीप इनसाइड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसके हवाले से हम इसके प्रोज और कॉन्स पढ़ेंगे कि क्या किस कौन से डेंजर्स इन्वॉल्व हैं और किस फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो पहले हम देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती क्या है। दिस प्रोसीजर इज यूज व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कैन सो डिसगाइज हिमसेल्फ एज टू बी एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। वो ग्रुप का मेंबर ही बन जाता है जहाँ पर वो रिसर्च स्टडी करने गया है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑब्जर्वर मे मिंगल एज अ लेबरर विद अदर लेबरर्स और वर्क एज अ पोर्टर इन अ शॉप। तो उसको बिल्कुल अंदर की खबर मिल जाएगी ना, वो खबर ही हो जाएगा अंदर का। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर्स प्ले अ ड्यूअल रोल, दो रोल प्ले कर रहा है बेसिकली। तो ही इज अ रिसर्चर, लेकिन यहाँ पर वो काम भी पूरा सीखेगा। अब वो सारा दिन वो सारे काम करेगा जो कि नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ पर कर रहे हैं
वो सारे काम भी वो करेगा। तो उनकी ट्रेनिंग चाहिए होती है सफिशेंटली कि जिसको वो पूरी तरह से उसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट डू नॉट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, दिस क्वालिटी मेक्स दी टेक्निक वेरी इफेक्टिव। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, पीपल डू नॉट बिहेव एज दे डू इन रूटीन वेन दे नो दैट देयर बिहेवियर इज, क्या क्यों हम ऐसा करते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमारे ना स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है कि जिस दिन पता हो ना कि आज विजिट आएगा, हमारे चेकिंग हो रही है, उस दिन जी बड़ी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की सफाई कराई जाएगी, जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो रियल तो पता नहीं चलता है कि रूटीन में कैसा ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो लोग उस तरह बिहेव नहीं करते हैं जब उनको पता होता है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब तो वो बड़े टेंशन होकर और ऐसे बड़े अच्छे बन के बैठेंगे, और तो वो तो बिल्कुल फेक होगा, वो रियल ऑब्जर्वेशन थोड़े ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस ऑफन मेक डिफरेंट स्टेटमेंट्स व्हेन टॉकिंग टू प्रेस डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर कमेंट्स आर ऑफ द रिकॉर्ड और अदरवाइज। एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज इफेक्टेड बाई नोइंग के ही इज बींग वॉच्ड। ये तो इसका सारा वो बात हो गया, आगे आप डिटेल से ये पढ़ लें, काफ़ी अच्छा लिखा गया ये सारा। और एथिकल इशूज, अच्छा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम ये ज़्यादा बातें कर लेंगे, मेनली फिलहाल हमें यहाँ पर ना इसकी मेन डेफिनेशन ही चाहिए होगी। आगे मेन हमने ना जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं ना उनके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना होता है, लंबा लिखना है, जितना मर्जी लंबा लिखना है। वो बातें जो नहीं भी लिखी हुई वो भी लिखनी है, जैसे इसके अंदर मैं वैलिडिटी का बता रही हूँ, रिलायबिलिटी का बता रही हूँ, जितनी हमारी वो जिस टेक्निकल लैंग्वेज है ना साइकोलॉजी की आपको समझ आती है, और वो यहाँ पर नहीं भी लिखी हुई और आपको जेहन में आ रही है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ये अच्छे बुलेट्स में अच्छा लिखना है, लंबा लिखना है। एडवांटेज क्या है, थोड़ा सा जेन पे जोर डालें ना, क्या फ़ायदा होगा फील्ड स्टडी मेथड का। फील्ड स्टडी मेथड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है, ऐसी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आप भाई एक चीज़ का हिस्सा बन गए हैं, आप अंडर कवर एजेंट हैं, आप स्पाई बन गए हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, तो सिस्टम की सारी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गई हैं। आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आप किसी से क्वेश्चनर लेकर नहीं फिर रहे हैं, बल्कि आपको वो बात उसी तरह पता है जैसे कि वो हो रही है। तो इसकी सबसे अच्छी जो हमारे पास एक एडवांटेज है वो यही है कि वी कैन सी द फिनोमेना एज इट इज़ हैपनिंग। और दूसरी हमारे पास अच्छी बात क्या है कि जब हमारे पास डीप रूटेड इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो उससे क्या है कि जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही अथेंटिक हो गई हुई है, तो हमारे पास जो इसकी एक तरह से इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो हाई हो जाती है, जो कि हमें लग रहा था कि फील्ड स्टडी मेथड की शायद नहीं होती है, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे। जितना अच्छी तरह से हम फिनोमेना को डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारी एक तरह से नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जितनी ही एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, तो इट गिव्स आर डीप इंसाइट अबाउट द फिनोमेना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट हैज़ हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग द फिनोमेना इन सो मच डेप्थ दैट वी हैव ऑब्जर्व इट इन सो गुड वे दैट वी आर एबल टू जर्नलाइज आर फाइंडिंग टू द कॉमन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मैं रीड करने लगी, ये दोनों पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से बोले हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलाउज एन ऑब्जर्वर टू गेन एक्सेस टू अ सिचुएशन दैट इज नॉट यूजुअली ओपन टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज तो शायद उसकी परमिशन ही ना मिले। जैसे कि ये अंडर कवर एजेंट्स हैं, ये ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं कि अदरवाइज तो जिस तरह किसी ने कहूटा प्लांट में जाना हो तो वो तो अलाउड ही नहीं है, कई कई जगह यहाँ पर वो बगैर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अलाउड ही नहीं होता, वो नो गो एरियाज होते हैं। तो यू कैन गो टू दी नो गो एरियाज। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर इज ऑफन इन द पॉजिटिव पोजिशन टू हैव द सेम एक्सपीरियंस एज द पीपल अंडर स्टडी, दिस एक्सपीरियंस मे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल आर ग्रुप। तो ये हमें काफ़ी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस आपने ऐड कर लेने हैं वैलिडिटी वाले पॉइंट, और प्लस आपने ऐड कर लेने हैं कि इट गिव्स एन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है ना, जो आपने ज़रूर लिखना है, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं, पहले मैं रीड कर लेती हूँ फिर मैं ऐड कराती हूँ आपको कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करने वाले हैं। एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स आर इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन देयर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग इज ऑल्सो इफेक्टेड ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट। अब मसला क्या है कि मसलन आपको एक ही टाइम पे दो काम दिए गए हैं, एक तो आप एक्सपेरिमेंटर हैं, आप रिसर्चर हैं, और आपका असल काम तो ऑब्जर्व करना है, लेकिन आप वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, आप मसलन कोई पैकिंग का काम भी कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, तो आपकी जाहिर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दो कामों के ऊपर इक्वली कंसंट्रेट कर सकें, तो आपकी ऑब्जर्वेशन अफेक्ट होगी क्योंकि बेसिकली आप दो काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉई एंड यू आर ट्राइंग टू डिसगाइज योर सेल्फ, आप अपने आप को छुपा भी रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रेशर के नतीजे में, इस वर्कलोड के नतीजे में, इस फटीक के नतीजे में आपका जो एक्चुअल काम है जो रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर का है दरअसल, वो आपका बहुत इफेक्ट हो रहा है और आप वो काम सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो
तो ये एक पहला पॉइंट है। तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो बायस भी हो सकती है, उसमें फटीक का एलिमेंट भी है और उसमें सब्जेक्टिविटी बायस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये लफ्ज़ हम बोलेंगे इसको, सब्जेक्टिविटी बायस। अच्छा, रिसर्च करने के लिए ना ये ज़रूरी है आप पढ़ने के लिए कि आप ना ये जो वर्ड्स हैं ना साइको इसकी टर्मिनोलॉजीज एंड डिफरेंट, ये आपने याद करनी होती हैं। इसको ना सब्जेक्टिव बायस भी कहा जाता है या सब्जेक्टिविटी बायस भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, व्हेन ऑब्जर्वर बिकम्स अ पार्टिसिपेंट ही नैरोज हिज रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, ही टेक्स पर्टिकुलर पोजिशन इन अ ग्रुप, ही लर्न्स एंड फॉलोज द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी विच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर एंड थस बिकम लेस एबल टू फाइंड आउट व्हाट द इंडिविजुअल्स आर डूइंग। अच्छा, ये वही बात रिपीट हो रही है। एक बात याद रखनी है, अगर टाइम कम है ना आपके पास लिखने के लिए, तो आपने एडवांटेजेस में ना ये इस तरह से लिखना है, हाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, हाई डिग्री ऑफ इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना, एक्सेस टू द फिनोमिना दैट इज नॉट अदरवाइज ओपन टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इट प्रोवाइड्स इनसाइट, डीप इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये लफ्ज़ भी लिख दिए हैं ना, जितने मैंने बोले हैं सिर्फ ये लिख दिए हैं, ये आप नोटिस लिख लें बेशक तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं आप इररेलेवेंट लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते जा रहे हैं तब नंबर मिलेंगे। जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है बुलेट्स बनाकर टू द पॉइंट भी आप बात लिख रहे हैं ना, जिस तरह हाई सब्जेक्टिविटी बायस, एलिमेंट ऑफ फटीग एंड सब्जेक्टिव इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, तो ये वर्ड्स इन दोनों पॉइंट्स को, सिर्फ ये दो लफ्ज़ भी काफ़ी हैं पूरे पॉइंट को बताने के लिए, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगली बात लिखी है, पार्टिसिपेंट इमोशनली ही कम्स टू लूज दी ऑब्जेक्टिविटी। अब ये देखा, वही बात रिपीट हो रही है ना, जब आप कह रहे हैं कि इट इज़ हाई इन ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, तो इट इज़ लो इन ऑब्जेक्टिविटी, दोनों दूसरे के पोलर अपोजिट बातें हैं ना। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। ही मे रिएक्ट इन एंगर इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग, अब कुछ भी वहाँ पर कोई फिनोमिना हो रहा है, थक गया है, एंग्री हो रहा है, तो उसकी जो पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंसेस है ना, इमोशंस हैं, वो बहुत एक्सपायर होंगे। तो दरअसल लफ्ज़ लिखेंगे कि द इमोशंस आर सब्जेक्टिव रिएक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट विल इफेक्ट द स्टडी, ये लिखना भी काफ़ी है। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्वालिटी ऑफ कंट्रोल नहीं होता भाई, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रही हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं कि आप दरअसल रिसर्चर हैं, तो आपका जो कंट्रोल है ना वो तो नहीं हो रहा उसके ऊपर। अब तो बस सिंपली यू आर, अब यहाँ पर ये सारी बात का क्या है, द रोल ऑफ पार्टिसिपेंट इज आप पैसिव ऑब्जर्वर है। पैसिव ऑब्जर्वर क्यों है, जब कोई चीज़ हो रही होगी तब भी नोटिस करेंगे, बिकॉज आपने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है। जब तक कोई चीज़ होगी नहीं, आप खुद से किसी को कह नहीं सकते कि मेरे सामने इस तरह बिहेव करके दिखाओ, ठीक है ना। तो रोल ऑफ ऑब्जर्वर इज पैसिव, ये लफ्ज़ अब याद रखना है, ये लफ्ज़ सारे याद रखने हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एटलीस्ट फोर पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ। वो पार्टिसिपेंट थी, अब ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। याद करने के लिए बहुत आसान है कि जो चीज़ें उसमें हमने बताई हैं ये उसके उल्टा चलेंगी ना। तो नॉन पार्टिसिपेंट में अब वो डिस्गाइज नहीं, अच्छा एक चीज़ ऊपर याद ही नहीं रही बताने, वो ये थी डिसएडवांटेजेस में, वो ये थी कि ना जिस तरह मैं बता रही हूँ कि द पर्सन इज बेसिकली एक्टिंग एज एन अंडर कवर एजेंट, तो उसकी जान को बहुत खतरा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन बी कॉस्टली। ये हर एक में ज़रूर बताना होता है, जो भी रिसर्च मेथड आप बता रहे हैं ना उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज में ये बताना होता है कि वो उसके ऊपर पैसा बहुत लगता है, जाहिर है कि आप सिमुलेट करके दे रहे हैं एनवायरनमेंट, टाइम भी लग रहा है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग डबल चाहिए, एज अ रिसर्चर भी ट्रेनिंग चाहिए, और जिस जगह पर आप जिस फील्ड स्टडी में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, उसकी भी स्किल्स आपको आनी चाहिए। जैसे अंडरकवर एजेंट्स हैं तो वो उस जगह की ज़ुबान सीखते हैं, उस जगह का बिहेवियर सीखते हैं, उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनके ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, तो एक बहुत सफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग चाहिए होती है। और स्टिल इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इन सर्टन सिचुएशंस। और उसके अलावा जो बात नहीं लिखी हुई वो है एथिकल इश्यूज़, ये सारी बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं जो आपने लिखनी है। एथिकल इश्यूज़ बहुत रेज होती हैं कि जब आप अपने आप को छुपा रहे हैं तो बेसिकली आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ले रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी रिसर्च का, वो आप वायलेट कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स भी आपने ऐड करने हैं, ठीक है जी। अब मैं आगे आती हूँ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ। अच्छा, ये गौर से मेरी बातें सुनते जाओ अगर आप लोग वाकई ये पढ़ रहे हो, इतने काम की बातें आपके प्रोफेसर ने भी नहीं आपको बतानी। अच्छा जी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द सिचुएशंस इन विच द रिसर्चर आर द एक्सपेरिमेंटर डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एनवायरमेंट आर इन द फील्ड स्टडी। अब वो डिस्गाइज नहीं कर रहा, वो एक डायरेक्टली जा रहा है, उनको बता रहा है कि मैं ये कुछ क्वेश्चनर फिल कराने आया हूँ या मैं कोई ऑब्जर्वेशंस लेने आया हूँ, और मेरा रिसर्च की जो है ना रीजंस वो ये हैं, और मैं इतने टाइम के लिए मैंने रिसर्च कंडक्ट करनी है। अब फ़ायदा क्या है, अब नहीं उसकी जान को ख़तरा,
और अब नहीं एथिकल इशू रेज हो रहा जो कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के मेन इश्यूज थे, तो अब दरअसल वो दोनों इश्यूज तो एड्रेस हो गए हैं। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम थे, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल भी बेहतर हो गया, इमोशनली इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो रही, सीखना भी नहीं पड़ रहा काम, सब्जेक्टिविटी बायस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और वही बात एथिकल इश्यूज भी नहीं रहेंगे। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अब क्या है, जो इसकी क्वालिटीज थी बड़ी इंपॉर्टेंट, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना, वो चीज़ें जो कभी ओपन अप नहीं हुई हैं उनको भी किया जा रहा है, इनसाइट पैदा हो रही है, इनसाइट मिल रही है, अब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तो वो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो उसके नॉन पार्टिसिपेंट के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। तो ये इसीलिए ये थोड़ा लिखा हुआ है, समटाइम्स द सब्जेक्ट्स आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड समटाइम्स नॉट, एज नोटेड सम सोशल सिचुएशंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड प्रॉपरली व्हेन ऑब्जर्वर बिकम्स द पार्टिसिपेंट, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, वेडिंग सेरेमनीज, ट्राइबल रिचुअल्स एंड अदर कल्चरल ओकेजन्स, देयरफॉर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस मेक्स द टास्क ईजियर, तो आसान हो जाता है हमारे लिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं कि दरअसल ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में हम जो रिसर्चर है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा फिजिबल है और वही मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साक, मेरे चैनल का नाम है वेलनेस बाय फराह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी अच्छा अच्छा कंटेंट मज़ीद बनाती रहूँ।